Hello and welcome to the 23rd episode of Mission Admission. I am Aditya Yadav and you are watching the Social Indian. और इस मेरे चेहरे की मुस्कान से आप समझ गए होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको जो पेपर के रूप में शौक दिया है ऐसा पेपर बनाकर जिसका पैटर्न लगभग बिल्कुल ही अलग था एंड आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद द यूनिवर्सिटी. वो हर साल पेपर का पैटर्न बदलते जाते हैं और अभी तक एक स्टेबल पैटर्न पर नहीं आ पाए हैं जहाँ पर बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाएं और कॉम्पिटिशन को अच्छे से ग्रो करने का मौका मिले ताकि लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में फाइट करें और एग्जाम देकर यहाँ पर काबिल लोग एग्जाम देकर यूनिवर्सिटी के अंदर आए. लेकिन यूनिवर्सिटी हर साल ऐसी पैटर्न बदलती रहेगी तो विडंबना ये है, प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि कैसे पैटर्न को जज किया जाएगा और अगर आप जज कर भी लेते हैं तो आप कैसे उस पेपर में अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस निकालेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे. अब जहाँ पर लोग आपको कोचिंग देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये पढ़िएगा वो पढ़िएगा, उनके ज्ञान हो जाते हैं फेल. फिर भी हम इस बार एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का कि 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है. ये वीडियो संपूर्ण एनालिसिस की है. पूरी तरह से तो एनालिसिस नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास भी अभी लगभग 15-20 क्वेश्चन ही आए हैं और आप लोगों के रिव्यू के ऊपर ही अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं. लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा हम प्योर रिव्यू दे पाएंगे, प्योर एनालिसिस दे पाएंगे. लेकिन कोशिश की है कि आपके मैक्सिमम डाउट्स को यहाँ पर सॉल्व करें हम लोग और आपको बता पाएं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आंसर की कब तक आएगी, इन डाउट्स को आपके सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर हम क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखें तो लोग कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश ना के बराबर थी, जो हमारी रीजनिंग थी लॉजिकल वो भी ना के बराबर थी, मैथ्स तो हर बार ना के बराबर होता है तो इस बार भी कोई ज़्यादा कहने की अचंभे वाली बात नहीं है. कहने वाली बात ये थी कि लीगल रीजनिंग से पेपर भरा हुआ था, पॉलिटी से पेपर भरा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन से पेपर भरा हुआ था. तो अगर आपको हमारी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाली वीडियो याद होगी तो हमने जो जो चीज़ें बताई थी मुझे खुशी होती है कि उनमें से काफ़ी चीज़ें जो मेरे को अभी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रही है और वही हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे. लेकिन अगर आपने पेपर अच्छा दिया है या पेपर अच्छा नहीं भी दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है. इफ़ इट इज़ हार्ड फॉर यू देन इट इज़ हार्ड फॉर एवरीवन. अगर सबके लिए हार्ड पेपर होगा तो इवेंचुअली एवरेज फोकस करेगी और एवरेज अगर ऊपर नीचे होगी तो आपकी कट ऑफ पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा. अब जब इवेंचुअली आपकी कट ऑफ ही कम होने वाली है तो आपको टेंशन की क्या बात है, टेंशन तो लेनी ही नहीं है. अब जो हो गया वो तो हो ही गया है, फालतू में पैनिक करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं. अब तो इंतजार कर सकते हैं हम कि कट ऑफ आए, लिस्ट आए, उसके बाद पता लगेगा कि कितने नंबर पर लिस्ट लगती है और क्या होता है. तो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन आया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, उम्मीद नहीं कर सकते हम कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जो था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे कब मनाया जाता है. अब ये तो कोई इंटेलेक्चुअल लोग ही बता सकते हैं कि कब मनाया जा सकता है क्योंकि ना तो हम इंडिया में इतना मनाते हैं ना इतना ये न्यूज़ में रहा था कभी. लेकिन हाँ रिसेंट था, अप्रैल मई जून में था तो ये आया है. 26 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे. उसके बाद अंग्रेजी से एक शब्द आया था जिसको प्रोनंसिएट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो था कन्वर्जर. अब कन्वर्जर की स्पेलिंग आपसे पूछी गई थी तो सही स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, मुझे भी देख कर बतानी पड़ सकती है. CONOISSEUR ये थी सही स्पेलिंग. अगर आपने सही स्पेलिंग लगाई है तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, नहीं तो मिलता है -1 का एक झटका. अब जो हमने इमरजेंसी की बात की थी, मैंने आपसे लाइव स्ट्रीम में भी पूछा था ये क्वेश्चन की कब कब इमरजेंसी इम्पोज की गई है, कौन कौन से ग्राउंड्स पर 3 जो है इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है इंडिया में. तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इम्पोज की गई है कि नहीं की गई है और ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था. तो कभी नहीं की गई है इंडिया में, फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है. अब जब मैं आपसे बात करता था कि कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट को अच्छे से पढ़िएगा, शेड्यूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, तो शेड्यूल से 2 क्वेश्चन आए हैं, शेड्यूल 10 से और शेड्यूल 7 से. शेड्यूल 10 जो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ और शेड्यूल 7 जो है वो सेपरेशन ऑफ पार, इनके ऊपर दोनों के ऊपर क्वेश्चन आए थे. अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन किया है, सही किया है तो आपको 4-4 नंबर मिल जाएंगे, नहीं किया है तो क्या कर ही सकते हैं. अब प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो जी आप देखिए कौन दिलाता है. एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ, वैसे उत्तर हमें पता है. अगर किसी को नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नीचे कीजिए आप कमेंट, हम रिप्लाई कर आपको ज़रूर बताएंगे. अब एक पेटेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि पेटेंट की मेंटेनेंस डेट कब तक होती है, तो US पेटेंट लॉ के हिसाब से देखें तो 20 साल के लिए होती है. अगर ऑप्शन 20 साल था तो आपका उत्तर सही है. अब यहाँ पर आर्टिकल 369A के बारे में भी पूछा गया था. 369A जो होता है ट्रेड इन बिटवीन द स्टेट होती है, उसके बारे में क्या क्वेश्चन आया था मुझे अच्छे से खबर नहीं है लेकिन इसके बारे में पूछा गया था तो हमने आपको बता दिया है. अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4
यानी आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 के बारे में क्वेश्चन आया था, ये आना स्वाभाविक था क्योंकि 10% रिजर्वेशन जनवरी से लागू हुआ है ईडब्ल्यूएस, तो वो आया था अमेंडमेंट के बाद, 103rd अमेंडमेंट जो आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद। अब 15 सब क्लॉज 4 है, सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पार्स दी गई हैं, राइट टू इक्वालिटी को हटा के ये एक प्रोविजो है, एक एक्सेप्शन है कि जो 15(3) में वीमेन और चिल्ड्रन के लिए दी गई है वैसे ही सोशल और बैकवर्ड लोगों के लिए दी गई है, सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए वो 15(4) में दी गई है, उसमें आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था आपके लिए। अब मैरिज में जो रिस्ट्रेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था, तो जी हाँ वो वॉइड होते हैं। अब एक और क्वेश्चन था जो हमने आपसे पहले डिस्कस भी किया हुआ था अच्छे से, अगर आपने वीडियोस भी ढंग से देखी होती तो आप 40-50 नंबर तो हलवे की तरह बटोरने वाले थे। अब जो क्वेश्चन था वो ये था कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब लागू हुई थी, तो वो लागू हुई थी 2009 में, आर्टिकल 21A हुआ था ऐड, ये थी अमेंडमेंट के बाद। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने पास किया था, तो वो पास किया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से आर्टिकल से बनता है, तो देखिए जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो होते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में तीन महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, वो हैं आर्टिकल 14, 19 और 21। मैक्सिमम केसेस में ये इन्वॉल्व होते ही हैं और इसीलिए ये हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्हीं की धुरी के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन घूमता है। अब कैवियट वेंडिक्टर का मतलब क्या होता है, लीगल मैक्सिमम आपके आने ही थे, कैवियट वेंडिक्टर ऐसी शब्द है जो यूज होता है कोर्ट्स में मैक्सिमम, बहुत ज्यादा यूज आप देखेंगे अगर आप कोर्ट्स में जाएंगे जब इंटर्नशिप्स के दौरान। तो कैवियट वेंडिक्टर का मतलब होता है सेलर बीवेयर। अब शिरीन इबादी का नाम आया था यहाँ पर कि शिरीन इबादी का क्या है, तो रेलेवेंस ये था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए। शिरीन इबादी एक पॉलिटिशियन, लॉयर, राइटर हैं, बहुत कुछ हैं, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अब आप ये देखकर मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उन्हें नोबेल प्राइज किस चीज के ऊपर मिला है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि इट क्लॉज में इंडिया से जज कौन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ सीज में इंडियन जज कौन है, इंडिया की तरफ से कौन जज गए हुए हैं, वो है नीरू चड्डा जी, वो है इट क्लॉज में जज। ये भी आपका एक क्वेश्चन था जो हमने अब कर दिया है सॉल्व। अब करंट अफेयर्स में जलीकट्टू बहुत रहा था, जलीकट्टू जो लोग कह रहे हैं कि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आए हैं, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो ये करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि स्टैटिक के क्वेश्चन है, इट लॉस हो गया, जलीकट्टू हो गया, जो अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो भी करंट से ही आएगा, लीगल न्यूज से आएगा, लीगल करंट से। तो जलीकट्टू जो होता है वो बुल फाइटिंग का एक गेम है, तमिल इवेंट में प्रैक्टिस किया जाने वाला ये पुराना रिचुअल है। तो जलीकट्टू अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे 4 मार्क्स, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जो हमने ऑर्डर ऑर्डर के पहले एपिसोड में बात की थी, इसीलिए मैंने शायद ऑर्डर ऑर्डर की सीरीज निकाली थी कि जजमेंट के बारे में, लीगल न्यूज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज रहे। उसमें हमने केस का नाम लिया था, केस का नाम मैं आपसे सुनना चाहूंगा, कौन सी एनजीओ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था, इतनी हिंट कर रहा हूं, जिसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी तो है ही है, राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी यूथेनेशिया का जिक्र किया गया था, और पैसिव यूथेनेशिया की यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी आया है कि जहाँ पर कोई मेडिकल नहीं है उपाय हमारे पास बीमारी को ठीक करने का, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से मृत्यु ले सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे केस जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, केस के बारे में नहीं आया लेकिन यूथेनेशिया के बारे में आया हुआ है। तो अब ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस ला कर दें और क्वेश्चंस आपके लिए बताएं, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किए हैं हमने, ये पहला पार्ट आप लगा लीजिए उसका, और उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ, अगर आपको सबको ही हार्ड लग रहा है पेपर तो कट ऑफ कम जाए, और अगर कट ऑफ कम जाती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये आंसर की आएगी, आप अपने आंसर्स मिलाइएगा जितने आपके दिमाग में याद हों, नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चिल कीजिए, फेंटा पीजिए और मजे कीजिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मिलते हैं आगे की सीरीज़ की वीडियोज़ में। भारत माता की जय, जय हिंद।